इतना सालों का है जमा हुआ खजाना ही। है देखो दो पेन पेंसिल, बाप रे जैसी ना हाथ डाले ना, देखो अभी और अभी तो लगता है कि चार पांच हजार। अरे देखो मेरे डोरी में, देखो देखो, अरे बाप रे सब इसी के नीचे, अरे बहुत कुछ है इसमें। ये देखो टॉफी, कब का टॉफी तुम्हारे बर्थडे का छिलका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यहाँ पे मैं जो है वो सोफ़ा की सफाई कर रही हूँ। एक्चुअली सोफ़ा कवर मैं चेंज कर रही थी, तो सोफ़ा कवर चेंज करते करते अचानक मैं सोफ़ा को ऐसे सेट करने लगी ना कवर को, तो मेरे हाथ में किस कोई पेन टकराया। तो मुझे लगा कि क्या है इसमें इतना सारा कुछ, तो वही मैं खोल करके देख रही थी, तो अंदर हाथ घुसा घुसा कर मैं देखी तो इसमें से बहुत सारा जो है वो पेन निकला। और इतना सारा पेन निकलेगा ये इसका उम्मीद भी मुझे नहीं था। तो ये इसमें से खजाना ही खजाना, सिक्का और फिर कंघी भी निकला, बहुत सारा चीज़। तो वही आज जो है सोफे की पूरी क्लीनिंग हो गई और जितना गड़ा हुआ खजाना था ना वो सारा मुझे मिल गया। और यहाँ पे एक्चुअली जब यहाँ बैठ कर कार्तिक पढ़ाई करता था ना, तो अचानक से उसका पेंसिल गायब हो जाता था, कभी पेन गायब हो जाता था और मिलता नहीं था, कितना भी ढूंढ लो। तो आज पता चल गया कि ये सारा जो है वो कहाँ किस होल में जाके छुप जाता है। तो ये खजाना तो मुझे मिल गया। तो अब सर्दी शुरू हो गया है और मीठा वाला जो गाजर है रेड कलर वाली वो आने लगी है। और अभी के टाइम वाला जो गाजर है ना वो आता है तो काफ़ी अच्छा मीठा लगता है, स्वाद अच्छा रहता है। और गाजर का हलवा तो बनता ही है, तो मुझे मार्केट में जैसे ही गाजर दिखा तो मैं ले आई। और इस बार ना मैं जो हलवा है वो बनाई थी, मतलब पहले कुकर में बॉईल कर ली थी गाजर को, उसके बाद फिर इसमें मैं ऊपर से मावा डाली हूँ यानी कि खोया। ऐसा मैं हमेशा बनाती हूँ, हलवा को दूध में पकाती हूँ और उसके बाद फिर थोड़ा सा मतलब खोया डाल लेती हूँ। लेकिन ये इस तरीके से बना के देखिए अच्छा ही था, बट उतना मज़ा नहीं आया जितना कि दूध में पका पका कर जो धीरे धीरे पकता है और उसका अलग टेस्ट होता है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है उस हलवे से इस हलवे का। तो वो ज़्यादा टेस्टी मुझे लगा। हाँ जल्दी से बना सकते हैं, शॉर्टकट में बना सकते हैं, तो ये वाली जो है वो ठीक है, लेकिन वो वाला द बेस्ट है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू मटर के सब्जी, मटर भी आना शुरू हो गया है। तो अभी तो खैर थोड़े महंगे हैं मटर, तो यहाँ पे आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। सिंपल से जैसे बनती है वैसे ही बना रही हूँ मैं, कि जीरा का तड़का दी हूँ, लाल मिर्च का तड़का, लाल मिर्च का तड़का मैं अक्सर देती हूँ, और उसके बाद तेज पत्ता डाल दी हूँ, फिर रेगुलर के जो मसाले होते हैं जैसे धनिया पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, वो सारा मैं डालती हूँ। ज़्यादा मैं मसाले नहीं डालती हूँ क्योंकि सिंपल और मटर जो है ना उसका अपना एक अलग सा अच्छा सा टेस्ट होता है, मीठा मीठा सा। तो वो वाला टेस्ट अगर आप ज़्यादा मसाला डालेंगे ना तो फिर वो टेस्ट नहीं अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से फ्राई कर ली हूँ ताकि जो है मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए। और टमाटर भी देखिए गल गया है, तो वहीं पर मैं थोड़ा सा कूट करके काली मिर्च और ये जीरा डाली हूँ, जीरा और गुलकी, और आलू फिर मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ क्योंकि हमें ना बस रात के लिए ही मैं डिनर बना रही हूँ, तो ज़्यादा सब्जी बनाती नहीं हूँ ताकि फिर बासी नहीं बचे। तो यहाँ पे रात के लिए मैं डिनर के लिए सिंपल सा गाजर का हलवा रहेगा और जो है आलू मटर की सब्जी और रोटी। तो ये हमारा सिंपल सा डिनर होता है। डिनर में मैं कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, कोई एक सब्जी या दो सब्जी बहुत कम ही रहता है, कोई एक सब्जी या दाल जो है वो रेगुलर रहता है।
और जो सब्जी मैं रात में बनाती हूँ डिनर में, तो वो मेरी कोशिश यही रहती है कि वो सारी मतलब सब्जी सबके पसंद की हो, ताकि लोग जो हैं वो सब अच्छे से खाना खा लें। हाँ, दिन में मैं दो तीन सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी अगर कभी कोई नहीं ये खाया नहीं वो खाया, तो कोई ना कोई सब्जी को लोग खा लेते हैं, तो वही है। और यहाँ पे आटा लगा ले रही हूँ। आटा लगाना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है, इससे आसान काम मुझे लगता है कि फटाफट रोटी बना लो, लेकिन आटा गूंथना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। लेकिन कोई नहीं, गूंथना तो पड़ेगा ही, तो यहीं पे जब तक आटा नहीं गूंथा जाता है तब तक रोटी कैसे बनेगा। तो यहाँ पे मैं आटा गूंथ रही हूँ, और बाबू आ कर बार बार मुझे परेशान कर रहा है। और देखिए आटा पे लग गया। आटा लगाने के बाद ना थोड़ा देर अगर आटा को रेस्ट पे रख देते हैं 4-5 मिनट के लिए, तो फिर अच्छा जो है वो मतलब ये हो जाता है, अच्छा तो मेरा वो भी खुलने आटा जो लगता है है। वो करीब 7 से 8 मिनट तक के रेस्ट पे रखा हुआ था, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ, फटाफट रोटी बना दे रही हूँ। और जिन्हें खाना होगा वो रोटी खाते जाएंगे, क्योंकि सब्जी भी हमारी बन के तैयार हो गई है। और इस तरीके से मैं ऊपर से हाथ रख कर देख लेती हूँ कि तवा गर्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि तवा अगर अच्छे से गर्म नहीं हो तो फिर रोटी जो है वो फूलता नहीं है, और अगर तवा अच्छे से गर्म रहता है प्रॉपर, तो अच्छी रोटियां फिर बनती हैं। तो बस फटाफट मैं रोटी सेकते जा रही हूँ। और अभी जो है हम लोग का डिनर का टाइम एक्चुअली 8:30 से 9 बजे के बीच में हो जाता है मैक्सिमम, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर लेट नहीं होता है। 9:30 बहुत कम ही टाइम में होता है, ऐसा जब बहुत लेट हो जाता है तो हम लोग जल्दी खा कर जल्दी सोने वाले, 10 बजे तक सोने वाले हैं। ये ऐसा नहीं कि 12 बजे तक जगे रहते हैं। हाँ, जब कभी कभी बाबू नहीं सोता है तो भले होता है कि हम लोग भी जगे रहें, लेकिन ऐसे जनरली हम लोग जो है वो जल्दी सो जाते हैं, 10 बजे तक खा पी कर सो जाते हैं। तो यहाँ पे वही मैं रोटी बना रही हूँ और डिनर की का सारा प्रिपरेशन, क्योंकि डिनर हम लोग का सिंपल ही होता है, तो डिनर बस मैं रोटी बना ले रही हूँ। और आजकल सुबह और शाम की हल्की हल्की ठंड जो है होने लगी है, और मच्छर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मतलब इस बार तो इतना ज़्यादा डेंगू यहाँ बिहार में फैला हुआ है, पटना में, कि मत पूछिए, बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है। तो मौसम भी चेंज हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा अगर ठंडा और आ जाएगा ठंडी, तो हो सकता है कि डेंगू कम हो जाए, बट डेंगू तो टू मच। पेपर में देखिए तो उधर कोविड था, इधर अब डेंगू फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। और छिड़काव भी थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है वो लगता है कि कम ही कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से डेंगू फैला हुआ है मत पूछिए। तो हम लोग तो खैर दिन में भी अगर बाबू मेरा सोता है तो मैं मच्छरदानी लगा दे रही हूँ, क्योंकि कोई उपाय ही नहीं बचता है कि अब कितना भी अगर कुछ क्वाइल जलाओ या ये कुछ भी करो, तो भी जितना सेफ्टी आदमी को नेट से मिलता है उतना सेफ्टी फिर नहीं मिलेगा कॉइल वगैरह से। तो इसीलिए हम लोग तो नेट लगा कर सोते हैं, और बाबू दिन में सोता है तो उसको भी हम लोग मच्छरदानी लगा देते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है और कितना देर कोई बैठ कर देखते रहेगा, तो इसकी वजह से। और ज़्यादा सुरक्षित रहता है, नेट लगा दीजिए तो निश्चिंत हो जाइए, और अपना बाकी सब भी काम करते रहिए। तो देखिए हमारा रोटी जो है वो तैयार हो गया है, और मैं पूछ रही हूँ कि कार्तिक खाओगे, और मैं रोटी भी गिन के बना रही हूँ ताकि बासी नहीं बचे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बासी रोटी। बच्चे जो हैं वो बच्चे क्या कोई भी नहीं खाना चाहता है, गर्मा गर्म रोटी की ही बात होती है, गर्मा गर्म रोटी ऐसे भी अगर दो खाना रहता है तो तीन मतलब खा लिया जाता है, क्योंकि इतना अच्छा लगता है ना गर्मा गर्म रोटी। तो बस हमारा हो गया, रोटी बन गया, और उसके बाद फिर मैं किचन सारा समेट करके, रात में मैं किचन अक्सर समेट करके सोती हूँ, तो किचन में समेट लूँगी।